हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवन उत्सव प्लान टेबल नंबर 871 के बारे में। ये प्लान लॉन्च हुआ था 29 नवंबर 2023 को। इसके वीडियो में हम पहले फीचर्स के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बेनिफिट्स और लास्ट में कुछ एग्जाम्पल से हम इस प्लान को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ फीचर्स हैं। इस प्लान को हम होल लाइफ गारंटेड इनकम प्लान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें लाइफ टाइम इनकम मिलती है। इसे एज अ सेविंग प्लान भी ले सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे के लिए कोई प्लान लेना चाहते हैं तो जीवन उत्सव प्लान बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब रिटायरमेंट प्लान के लिए भी ये बहुत अच्छा प्लान है। इसे लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म प्लान कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कम टाइम के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। आजकल की कस्टमर और मार्केट की डिमांड के हिसाब से ही LIC ने इस प्लान को लॉन्च किया है। इस प्लान का मेन मोटिव है कि शॉर्ट टर्म कम टाइम के पेमेंट करके लॉन्ग बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकें। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ फीचर्स समझते हैं। इस प्लान में आपको 10% का सम एश्योर्ड मिलता है, जो एज अ रेगुलर इनकम आपको बेनिफिट देता है। यानी लाइफ टाइम आपको जो भी आप सम एश्योर्ड जमा करते हैं उसका 10% आपको लाइफ टाइम एज अ अर्निंग मिलता रहता है। जैसे कि अगर आपने सम एश्योर्ड 5 लाख का जमा किया है तो 5 लाख का 10,000 हुआ 50,000, जो आपको हर साल लाइफ टाइम मिलता रहेगा। प्लस LIC ने एक गारंटेड एडिशन फीचर भी लॉन्च किया है, जिसमें हर 1,000 पर 40 रुपये का गारंटेड एडिशन बोनस आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आप सम एश्योर्ड मिनिमम 5 लाख का ले सकते हैं और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं। एज इसमें मिनिमम 90 डेज से लेकर 65 ईयर्स तक ली जा सकती है। प्रीमियम पेइंग मोड जैसे कि और प्लान्स में है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली है। लोन और सरेंडर की बात करें तो आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद आप इसमें लोन ले सकते हैं या इसे सरेंडर करा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेरी शॉर्ट प्रीमियम पेइंग टर्म। इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म यानी PPT बहुत शॉर्ट होती है, यानी मिनिमम आप इसमें 5 साल की PPT है या मैक्सिमम 16 साल की है, ये आप खुद चूज करते हैं। जैसे कि आगे इस टेबल को समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डेफरमेंट पीरियड होता क्या है। व्हाट इज़ डेफरमेंट पीरियड? ये एक वेटिंग पीरियड होता है जो हम PPT के, जब हमारा PPT पूरा हो जाता है, यानी देखिए जैसे फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास 5 PPT ऑप्शन है और उस PPT के ऑप्शन के आगे लिखा है 5 deferment period, यानी 5 ईयर आप PPT जमा करेंगे और उतना ही 5 ईयर आपको डेफरमेंट पीरियड यानी उतना आपको वेट करना पड़ेगा, यानी टोटल 10 ईयर होना चाहिए। अगर आप 6 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो आपको डेफरमेंट पीरियड 4 लेना होगा, 4 ईयर्स तक आपको वेट करना होगा। उसके बाद ही आपका जो सम एश्योर्ड होगा उसका 10% का लाइफ टाइम आपको एज अ अर्निंग मिलता रहेगा। अगर आप 7 साल PPT लेते हैं तो वहाँ आपको 3 साल वेट करना होगा। वैसे ही अगर आप 8 साल से लेकर 16 साल तक PPT प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो आपको सिर्फ 2 साल और वेट करके और आपको अर्निंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ किसी पर्सन की एज 30 ईयर्स है, उसने PPT लिया है, प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है 6 ईयर्स का, तो यानी टोटल 10 होना चाहिए। तो 6 ईयर का PPT का मतलब उसे 4 ईयर डेफरमेंट पीरियड वेट करना पड़ेगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 11th ईयर में, यानी आफ्टर कंप्लीटेड 10 ईयर, 11th ईयर में उन्हें 41st ईयर ऑफ एज, यानी 30 प्लस आपने उसमें 10 ईयर और वेट किया तो 41 साल से उन्हें अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर किसी बच्चे की एज 90 डेज है और उसके लिए हमें ये प्लान लेना है तो PPT आपको 16 ईयर चूज़ करनी पड़ेगी, उसमें 2 साल डेफरमेंट पीरियड होगा। क्योंकि कोई भी बच्चा, अगर किसी भी बच्चे के नाम से अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो जब तक के लिए बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक के लिए उसको अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी। तो इसलिए जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए इस प्लान को ले रहे हैं, उन्हें अगर वो 90 साल का बच्चा है तो 16 साल का ही प्लान लेकर उसमें 2 साल डेफरमेंट पीरियड वेट कर अर्निंग बच्चे की 19th ईयर से लाइफ टाइम तक रहेगी।
उसके बाद आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर, अगर बच्चे की एज 8 साल है तो पीपीटी उसे 8 साल लेकर प्लस 2 साल डेफरमेंट पीरियड ले सकते हैं, जिससे अगेन अर्निंग उसको 19th ईयर से स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट। इस प्लान में 2 टाइप के ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रेगुलर इनकम बेनिफिट और दूसरा ऑप्शन है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। ये दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ता है 6 महीने के अंदर अंदर। पहले ऑप्शन का मतलब है कि आपका जो सम एश्योर्ड है, जो अभी तक हमने एग्जाम्पल में समझाया था कि जो आपका सम एश्योर्ड है उसका 10% आपको लाइफ टाइम मिलेगा। फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट थोड़ा सा इससे अलग है। इस प्लान में अगर सपोज आपको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि मेरा जो पैसा है वो LIC के पास ही सेव रहे, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका पैसा जमा है, आपका सम एश्योर्ड है, उसमें 5.5% इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता रहता है, जो एक बहुत ही बेनिफिट होता है आगे फ्यूचर में आपके लिए। और इसके अलावा अगर कभी कस्टमर को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो 75% सम एश्योर्ड का विड्रॉल करा सकता है। और अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो इसमें सम एश्योर्ड के 50% में से आप लोन भी ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि 6 महीने के अंदर आपको ये ऑप्शन चूज़ करना होता है, क्योंकि 6 महीने के बाद आपकी इस पॉलिसी का चेंज नहीं होता। अगर ऑप्शन 1 आप लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे बेनिफिट मिलेंगे, और अगर ऑप्शन 2 लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि भगवान ना करे कभी आपके साथ कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में आपका जो भी सम एश्योर्ड होगा प्लस उसके साथ गारंटीड एडिशन नॉमिनी को मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक सम एश्योर्ड 5 लाख का लिया है और उनकी 2 साल बाद डेथ हो जाती है, तो उनको सम एश्योर्ड के साथ 80,000 यानी 1 साल का 40,000 लेके चले, 2 साल उन्होंने जमा किया है प्रीमियम, तो 2 साल का गारंटेड एडिशन बनता है 80,000 रुपये। तो 5 लाख तो उनको मिलेगा सम एश्योर्ड, जो सम एश्योर्ड उन्होंने लिया था स्टार्टिंग में, प्लस 80,000 पे उन्हें बोनस मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे प्लान पे। दूसरे एग्जांपल पे। इस एग्जांपल में हमने एक पर्सन को अपनी एनिवर्सरी वाले दिन ही इस प्लान को लिया है। उनकी एनिवर्सरी 23 नवंबर को है। अब उनकी एज है 30 ईयर्स और उन्होंने जो सम एश्योर लिया है वो 10 लाख का है और प्रीमियम पेइंग टर्म उन्होंने 10 साल का लिया है। तो यानी अप्रोक्स लगभग उन्हें 1 साल में 1,11,050 रुपये जमा करने होंगे और 2 साल के बाद डिफरमेंट पीरियड होगा। जैसे कि हमने अभी समझा था कि 10 साल आप पैसा जमा करते हैं और उसके बाद 2 साल वेट करके डिफरमेंट पीरियड करके आपको 10% मिलता रहेगा, मिलेगा सम एश्योर्ड लाइफ टाइम तक, यानी आपको हर साल कितना मिला, 1 लाख रुपये। तो अगर सपोज आप 80 साल तक कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो उसे 42 से लेकर 80 ईयर्स तक यानी 38 साल 38 ईयर्स तक वो जीवित रहते हैं तो उन्हें 1 लाख के हिसाब से 38 लाख रुपीस मिल जाता है। और उनके जाने के बाद उनके नॉमिनी को जो सम एश्योर था 10 लाख का प्लस गारंटेड एडिशन जो हमने बताया था 40 रुपये पर 1,000 रुपीस गारंटेड एडिशन भी मिलता है। जैसे 10 लाख प्लस यहाँ की इस केस में बना 4 लाख तो 14 लाख, तो टोटल बेनिफिट कितना हुआ, 38 लाख जो उन्होंने पहले ले चुके थे और उनके जाने के बाद उनके नॉमिनी को मिला 14 लाख, तो यानी टोटल मिला आपको 52 लाख रुपीस। तो डेथ के केस में क्या होगा, अगर बीच में उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में सम एश्योर्ड जो उनका सम एश्योर्ड है प्लस गारंटेड एडिशन उनको उनकी नॉमिनी को मिल जाएगा। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। एक बच्चे का बर्थडे है 13 अगस्त को और उनके फादर एज अ गिफ्ट अपने बच्चे को इस प्लान को देना चाहते हैं। बच्चे की उम्र 4 साल है, उन्होंने सम एश्योर्ड लिया है 10 लाख का और PPT है 12 साल, तो उनको कितना प्रीमियम जमा करना है हर साल, वो है 86,750 रुपीस, जो बिना टैक्स के यहाँ अमाउंट मैंने लिखा है। अब उनको जैसे कि रूल्स है कि उनको 2 साल और डेफरमेंट 2 साल वेट करना होगा, डेफरमेंट पीरियड है, तो 10% सम एश्योर्ड का उसे बच्चे को लाइफ टाइम मिलता रहेगा।
इस केस में भी जैसे हमने बताया था कि बच्चे की उम्र 18 साल होना जरूरी है, तो कितना बच्चे को मिलेगा? बच्चे को लाइफ टाइम मिलता रहेगा हर साल 1 लाख रुपए, यानी जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो और 80 साल तक, तो हम बच्चे के 1 लाख के हिसाब से बच्चे को 62 लाख रुपीज़ टोटल मिल जाएगा। और उसके बाद जब इस बच्चा इस 80 साल तक हो जाता है, उसके बाद उसके जाने के बाद, इस बच्चे के जाने के बाद जो इसकी आगे की जनरेशन आएगी उसे भी इसका बेनिफिट मिलेगा। उस नई जनरेशन को जो भी इन्होंने सम एश्योर लिया था यानी 10 लाख लिया था, प्लस उसमें गारंटेड एडिशन जो 12 साल का जुड़ेगा और उसका बेनिफिट मिलेगा, यानी जो नई जनरेशन होगी उन्हें 10 लाख में प्लस 4,80,000 रुपीज़ मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो को लेकर तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। हमारी वेबसाइट है अपना इंश्योरेंस वाला .co.in। इस वेबसाइट में जाकर आप हमारे और भी प्लान्स के बारे में देख सकते हैं। अब आगे इसके अलावा अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक में भी हमारा पेज है अपना इंश्योरेंस वाला। गूगल में आप अपना इंश्योरेंस वाला लिखने के बाद उपासना विवेक वाजपेयी लिखेंगे तो भी आपके सामने हमारा पेज खुल जाएगा। हमारे टेलीग्राम और फेसबुक चैनल भी चलते हैं जो इसी नाम से हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।